नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BDP इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों आज के स्टूडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं टाटा पावर के ऊपर। दोस्तों टाटा ग्रुप के दिग्गज कंपनी जहां पे दोस्तों रिजल्ट आया हुआ, रिजल्ट के बाद दोस्तों एक ऐसे लेवल के आके फंसा हुआ है स्टॉक की वहां से दोस्तों हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड शॉर्ट टर्म के लिए मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए उसके ऊपर बात करने का दोस्तों। ब्रोकरेज के टारगेट्स क्या है इस स्टॉक के ऊपर और रिजल्ट कैसा है उसके ऊपर दोस्तों हम बात करेंगे। दोस्तों कल दोस्तों हमने ब्राइटकॉम ग्रुप, जो बड़ी दोस्तों तेजी हो रही है उसके ऊपर दोस्तों बात की थी। दोस्तों वहां पे 156 का जो लेवल था, अहम लेवल था, वहां से अपवर्ड मूवमेंट आ गया है, लोअर सर्किट खत्म हो चुकी है दोस्तों। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास जो शेयर आए हैं दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं। तो दोस्तों जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी काफ़ी अच्छा सुधार हो रहा है, तो वो वीडियो आप जरूर से देख लेना दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के ऊपर। दोस्तों मल्टी बैगर स्टॉक, बड़ा कंपनी है और अभी का क्लोजिंग प्राइस 231.50 है, -4.06% के दोस्तों डाउन साइड है, -9.8 रुपीज का दोस्तों डाउन साइड है। स्टॉक ओपन हुआ था 240 हाई बनाया, 242 का लो बनाया, 230 का, बट दोस्तों लो के आसपास है। उसके पीछे का रीज़न है कि ग्लोबल सेल ऑफ था दोस्तों, मार्केट में दोस्तों प्रेशर था, उसकी वजह से ही दोस्तों टाटा पावर में ये हालत हुआ है। दोस्तों 3.60 करोड़ का दोस्तों क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, डिलीवरी क्वांटिटी है 1.05 करोड़, 29.21% के दोस्तों डिलीवरी क्वांटिटी है। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों टाटा पावर के ऊपर। तो दोस्तों ROC, ROE और फेयर वैल्यू दोस्तों सब ठीक ठाक है, इतना उत्साहजनक रिजल्ट नहीं है दोस्तों फंडामेंटल रेशियो, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है पूरा पावर सेक्टर जो है दोस्तों वो री रेटिंग हो रहा है। दोस्तों ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया रिटर्न सारे दोस्तों स्टॉक दे रहे हैं और टाटा पावर इज़ वन ऑफ देम। क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि री रेटिंग की बातें चल रही है, क्योंकि दोस्तों अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट था सितंबर 2021 का, वहाँ पे सेल्स था 981 CR का, जहाँ पे दिसंबर में दोस्तों 10,913 का CR आया है। दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफ़ी उत्साहजनक है, और बट नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए दोस्तों तो नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं है, 422 CR था उसके सामने 426 है, क्योंकि अदर इनकम जो है दोस्तों वो कम हुई है, जो सितंबर 2021 में 1026 थी उसके सामने दोस्तों 865 हुई है। तो दोस्तों ये रीज़न है उसकी वजह से दोस्तों नेट प्रॉफिट में नहीं हुआ, ओवरऑल सेल काफ़ी अच्छा हुआ है दोस्तों कंपनी का। अगर ईयर टू ईयर बात किया जाए दिसंबर में, तो वहाँ से तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया 7,598 का दोस्तों सेल्स था, उसके सामने 10,000 का दोस्तों सेल है, और दोस्तों टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,734 था। दोस्तों एक्सपेंस कम था, यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा है, तो प्रीवियस में एक्सपेंस आपका अच्छा था दोस्तों एंड अदर इनकम और बाकी सब ठीक थे दोस्तों। तो टोटल अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट जो था वो 248 करोड़ था, EPS 0.78 थे। तो दोस्तों एवरेज रिजल्ट इतना कुछ बड़ा उत्साहजनक नहीं बोल सकते। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ऊपर नज़र डालेंगे तो दोस्तों आपको क्लियरली दिखेगा कि कंपनी का जो शेयर था वो चल क्यों नहीं रहा था। दोस्तों फंडामेंटल रीज़न था दोस्तों, आप सेल्स देखिए तो दोस्तों 18,000 करोड़ से लेकर 19,000 करोड़ हो गया 2011 में, बट उसके बाद 26,000 करोड़ हुआ, काफ़ी अच्छा उत्साहजनक था। उसके बाद 2013 से लेके आप देखिए तो एक स्टेबिलिटी दिखाई कंपनी ने, अप एंड डाउन होता रहा दोस्तों और उसी लेवल के ऊपर घूमता रहा, बट कोविड खत्म हुआ और उसके बाद दोस्तों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रीन एनर्जी के ऊपर फोकस है उसका सीधा बेनिफिशियरी टाटा पावर भी ले रहा है, और उसकी वजह से 32,000 करोड़ का सेल हुआ और अब इस बार 40,000 का हुआ है। तो ओवरऑल प्रॉफिट अगर देखा जाए तो काफ़ी बढ़ोतरी बन रही है, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार आता जाएगा, वैसे वैसे दोस्तों स्टॉक का प्राइस भी अच्छा हो सकता है। अब दोस्तों सबसे अहम होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे दोस्तों प्रमोटर ने पिछले टाइम में दो तीन साल में काफ़ी अच्छा बाइंग किया है, 33% से 36.21% किया दोस्तों दिसंबर 2019 में, फिर मार्च 2000 में थोड़ा और इंक्रीज़ किया, और दोस्तों सितंबर 20 से दोस्तों 46.86% का शेयर होल्डिंग है। अब FII के पास अगर देखें तो FII दोस्तों कंटिन्यूस सेल कर रहे हैं दोस्तों, DII अगर देखें तो कंटिन्यूस सेल कर रहे हैं, और पब्लिक के पास अभी जो होल्डिंग है वो 15.52% से होके 26.41% का हो रहा है। अब दोस्तों शेयर होल्डिंग का थोड़ा एक FII और DII कंटिन्यूस दोस्तों बाई हो रहा है, प्राइस अप हो रहा है, उस टाइम पे सेल क्यों कर रहे हैं दोस्तों, तो वो समझने के लिए दोस्तों कौन बाई कर रहा है उनके जो बेचे हुए शेयर उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है दिसंबर 2020, यानी कि एक साल पहले का दोस्तों दिसंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग है। वहाँ पे आप थोड़ा नज़र डालोगे तो यहाँ पे टोटल म्यूचुअल फंड का 40 नंबर्स ऑफ म्यूचुअल फंड थे, 11.36 था दोस्तों, और जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उनके पास 12.44 था, 164 दोस्तों था उनका। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनके पास भी थोड़ा सा इंश्योरेंस का कंपनी था, इंश्योरेंस कंपनी के पास थोड़ा सा होल्डिंग है,
टोटल अगर B1 देखा जाए दिसंबर 2020 का तो 36.16 था उसके सामने दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों कि म्यूचुअल फंड 46 है और 4.44 है दोस्तों। अभी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 10.88 और टोटल 26.842 है बड़े जो दिग्गज इन्वेस्टर है उनके पास दोस्तों, यानी कि 26.42 है। तो यहाँ पे आप देखिए कि बहुत ही ज़्यादा ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा की कटौती हो चुकी है एक साल के अंदर। बाय किसने किया है दोस्तों, सबसे बड़ा क्वेश्चन, और बाय किसी बड़े दिग्गज इन्वेस्टर ने किया या कोई और कर रहा है? तो दोस्तों इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग जो हमारे रिटेल भाई लोग हैं उन लोगों ने 5,37,365 रिटेल शेयर होल्डर है उन्होंने पहले 12% का दोस्तों होल्डिंग था दिसंबर 2020 में। अब दोस्तों वहां पे देखिए 31,26,000 हमारे रिटेल भाइयों है उनके पास 22%, यानी कि दोस्तों जो 10% इन्होंने बेचा है वो सारा दोस्तों हमारे रिटेल भाइयों ने परचेस कर दिया है, ऑलमोस्ट सारा का सारा वहां पे आया है। तो एक सतर्क रहने की बात है और मैं टाटा पावर में हर बार आपको इस बारे में सतर्क करता आया हूँ दोस्तों। अब बात करें टारगेट के ऊपर, तो दोस्तों शेर खान ने 275 का टारगेट दिया है, बोला है कि टाटा पावर बाय करो, और दोस्तों ये रिजल्ट के बाद का ही अपडेट दिया हुआ है। इवन दोस्तों जो HDFC सिक्योरिटी है उन्होंने भी ऐड करने को बोला है टाटा पावर को, टारगेट प्राइस दिया है 258। अब हमें करना क्या चाहिए, प्रॉफिट हम कैसे बना सकते हैं दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर आप टाटा पावर के आ चुके हैं, और दोस्तों वीकली चार्ट के ऊपर मैंने क्लियरली बोला था आपको जो ब्लू लाइन दिख रही है जो 250 का लेवल है वहाँ पे दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है दोस्तों, कंटिन्यूस दोस्तों स्टॉक वहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे से दोस्तों ऊपर एक बार ये क्लोज आया था बट ये क्लोज पॉजिटिव नहीं था। क्यों पॉजिटिव नहीं था वो भी मैं आपको बताऊंगा, तब मैंने कवर किया था अगर पॉजिटिव क्लोजिंग मिलती है तब हम टाटा पावर में ऐड कर सकते हैं, उसके बिना ऐड नहीं करना है। अगर बात करें हमारी एंट्री की तो दोस्तों हमने 114 में पहली बार एंट्री ली थी, फिर 125 और फिर 150 में एंट्री ली थी, और हमने बहुत ही बढ़िया दोस्तों जब ये लेवल टूटे थे तब हमें बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई दिखी थी दोस्तों, 2-3 वीक में अंदर बहुत पैसा बन गया था हमारा। बट अब की रणनीति के ऊपर बात करते तो पहले एक बात करते कि ये पॉजिटिव वो लेवल के ऊपर क्लोज हुआ था 250 के ऊपर, 254 का क्लोज था, फिर भी दोस्तों क्यों वो पॉजिटिव क्लोज नहीं था। फिर आज की रणनीति के ऊपर बात करते कैसे पैसे बनाया जाए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों डेली चार्ट के ऊपर हम आ चुके हैं। अब 28 जनवरी का जो दोस्तों क्लोजिंग आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे 249 का क्लोजिंग था 1 फेब को, वॉल्यूम भी था, बट देखिए दोस्तों कैंडल देखिए स्टॉक ओपन हुआ है 249, हाई बना है 256 का बट लोअर कहाँ है 244, यानी कि दोस्तों वॉलेटाइल रहा और डिसीजन नहीं बना दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर हुआ स्टॉक बट नेगेटिव कैंडल है, पॉजिटिव कैंडल हमें कहीं पे भी नहीं दिखा दोस्तों, और जैसे तोड़ा तो नेगेटिव कैंडल के साथ आया। अब ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है वो ग्रीन लाइन है 50 डे का मूविंग एवरेज, और वहाँ पे दोस्तों ये स्टॉक अभी सपोर्ट ले रहा है। पिछले तीन दिनों का अगर सेशन देखा जाए तो बिल्कुल नैरो रेंज में स्टॉक कर रहा है कारोबार, और ये लेवल के ऊपर चल रहा है दोस्तों। अब ये लेवल का इम्पोर्टेंस क्या है दोस्तों, पिछली बार जब ये लेवल का दोस्तों स्टॉक ऊपर जा रहा था फिर नीचे आया तो ये लेवल का दोस्तों जो एवरेज था वहाँ पे टच करने के बाद दोस्तों स्टॉक ऊपर गया था और काफ़ी अच्छी रैली दिखाई थी दोस्तों, तब स्टॉक 230 के आसपास था, फिर कंटिन्यूस रैली दिखाई थी। इवन जब दोस्तों डाउन साइड पे था जब ये लेवल टूटा था तो फिर काफ़ी नीचे गया था, इवन जब डाउन से ऊपर आया कंसोलिडेट एक बार स्टेबल बनने की कोशिश की, जैसे यहाँ पे दोस्तों जो कैंडल बन रहे थे सपोर्ट लेने के लिए वैसे दोस्तों रेजिस्टेंस का कैंडल मिल रहा था, जैसे पॉजिटिव क्लोज आया दूसरे दिन से उसने अपना तेवर दिखाना स्टार्ट किया और रेजिस्टेंस के आसपास चला गया। अब करना क्या है दोस्तों, सिंपल सी रणनीति है दोस्तों, अगर इस लेवल को तोड़ देता है दोस्तों 232 के लेवल को तोड़ देता है और 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसको नेगेटिव क्लोजिंग आ जाता है तो फिर हमें बेच के जाना चाहिए, और अगर यहाँ से ऊपर चलाने की कोशिश करता है पॉजिटिव कैंडल हमारा मिल जाता है दोस्तों तो हमें बाय करके चलना चाहिए, बट हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 250 का रहेगा, सॉरी दोस्तों जो टारगेट रहेगा वो 250 तक का फाइनल टारगेट रहेगा। अगर 232 के आसपास अगर आप बाय करते हो तो आपका पहला टारगेट जो होगा वो 236 का होगा, दूसरा जो आएगा वो 242 का आएगा, और फाइनल टारगेट हमारा 249 का आएगा दोस्तों। वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्रेकआउट आया तो नया ट्रेड एंटर करो या फिर आप वेट कर सकते हो। बाकी दोस्तों जब ब्रेकआउट आएगा तो ज़बरदस्त चलेगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, बट दोस्तों जब तक वो ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक स्टॉक नीचे जाएगा। अगर
जो ग्लोबल सेल ऑफ अभी थोड़ा मार्केट में खराबी है इंटरनेशनल मार्केट में और नीचे चला जाता है, तो दोस्तों आपको पता ही है नीचे तोड़ने के बाद कितना अच्छा अपने को मौका मिला था, 21211 तक दोस्तों ये स्टॉक जाने की संभावनाएं रखता है, क्योंकि पिछले दो बार वहीं से दोस्तों सपोर्ट लिया है 2 से 3 बार में, तो यहाँ पर भी पूरा चांसेस है कि 21211 पे हमें मिल जाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको दोनों तरह के लेवल मिल चुके हैं दोस्तों, और टाटा पावर में अब सतर्क रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों रिटेल शेयर होल्डर की होल्डिंग बढ़ रही है और बड़े इन्वेस्टर यहाँ से अपने पैसे का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें ट्रेड या निवेश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और दोस्तों आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो दोस्तों लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। धन्यवाद दोस्तों।